नमस्कार प्रणाम। आज ज्योतिया पर्व के ढेर सा शुभकाम। आज हमारे माइयो ज्योतिया फूखल भैया और आज माइये बाबू के आशीर्वाद बा कि आज आप सबके बीच में हम स्वस्थ दिखाता नहीं और आप सब दर्शक लोग के प्यार बा। हम कल पोस्ट कर रहे हैं अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि 17 सितंबर के हमारे एक्सीडेंट बेल रहे रेस फिल्म के द्वारा चोट आए ले, लेकिन आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से भी ठीक बने। थोड़ा सा छोटा भी और रहा मिला टाका दिया भाई और यहाँ पे चोट लग रहा उनका निशान बा तो कुछ दिन में डॉक्टर कल बने कि ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कल साहब जितना भी हमारे न्यूज मीडिया के साथी बल जे शुरू से लेके अभी तक साथ दे दल कि आप लोग सही से न्यूज बनावत थे, लेकिन कुछ यूट्यूबर भाई से काफी नाराज के बा। हम एक से पहले ना बनते कुछ लोग तो सही न्यूज बतावत, लेकिन कुछ लोग इतना गलत न्यूज बतावत है यूट्यूब पे। मैं यही गाना ना क्योंकि लाइफ के सवाल बा ऐसा ऐसा लोग कैप्शन लिखले बा कि लोग वीडियो ना देखे ला, लोग कैप्शन देख के फोन कर लगा था ऐसा मत कर लो। आप लोग गाना के प्रचार करने लोग फिल्म के प्रचार करने लोग बहुत खुशी होला बढ़ा चढ़ा के करने जा, लेकिन क्योंकि लाइफ के सवाल बा क्यों कहता कि स्टंट करता नहीं है, क्यों कहता गाड़ी से एक्सीडेंट हो गई बा, क्यों कहता बहुत तेज गाड़ी स्पीड में रही थी तो ये वो फलना ठिकना। हम बताओ तो नहीं आखिर भाई कर है उत्तराखंड देहरादून में रेस फिल्म का शूटिंग चल रहा है जिसका डायरेक्टर है चंदन उपाध्याय जो प्रोड्यूसर है अमित सर कैप्टन मूवीज के बैनर से सिनेमा बन रहा है। हम और विक्रांत भैया विक्रांत सिंह जी भोजपुरी के बहुत ही अच्छे हीरो एक्टर हमारे बड़े भाई। हम दोनों लोग बाइक चला रहे थे और गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, बस अभी शुरुआत ही हुई थी, अभी शूटिंग चालू नहीं हुआ था, कैमरा रोल हुए 15 सेकेंड या 20 सेकेंड नहीं हुआ था। गाड़ी की स्पीड बाइक की स्पीड लमसम 15 या 20 की हो गया। अचानक मुझे कुछ समझ में नहीं आया, गाड़ी जाके एक तरफ खाई था, लेफ्ट साइड और राइट साइड पत्थर था, देहरादून में जैसा कि आप लोग जानते हैं उसमें टक्कर लग गया और मेरे को चोट आ गई, बाकी और कोई खुशी बात नहीं है। तो प्लीज आप लोग गलत अफवाह मत फैलाइए, निवेदन है आप लोगों से। और कुछ लोग नाराज हैं, बहुत सारे लोग कि आपने पहले नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया भैया कि आप लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं, हम तो परेशान थे, आप लोग भी परेशान ना हो। थोड़ा सा ठीक हुआ तो तब सोचा कि आप लोगों को बता दूं, तो माफी चाहता हूं अगर आप लोगों को तकलीफ लगा है तो। और ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही है कि आज मैं आप सबके सामने स्वस्थ हूँ और कुछ दिन में बस कुछ दिनों के बाद आप सभी के बीच शूटिंग पर लौटूंगा, गाना गाऊंगा और आप लोगों को मनोरंजन करूंगा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसा परिवार मुझे मिला, ऐसे दर्शक मिले, ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री मिला जहाँ पे अगर एक छोटी सी खरोच आती है तो लोग इतना परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे तो पूरे चेहरे के सवाल थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन में मुझे एक बार ऐसा हुआ था कि लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था जब मुझे बचपन में गोली लगी थी और ऐसा तो तबियत हल्की फुल्की खराब होती, लेकिन सेकेंड टाइम ये हुआ। और आप लोग का दुआ है कि आज मैं आप सबके बीच में स्वस्थ हूँ। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आशीर्वाद प्यारी दिन बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस फिल्म की पूरी टीम को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डीओपी एक्टर पूरी टेक्निशियन टीम को जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा हिम्मत बढ़ाया। और भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार, सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर, सारे एक्ट्रेस, सारे टेक्निशियन टीम जो चला सबको, सारे सिंगर भाई लोग, सभी लोग फोन पे हाल चाल लिए, बहुत लोग मिलने भी आए।
और ये आप लोग का आशीर्वाद है कि आज मैं स्वस्थ हूँ। यह आशीर्वाद यूँ ही बना रहे और प्लीज जितने भी यूट्यूबर भाई प्लीज गलत रिपोर्ट ना बनाए भैया। बहुत लोगों का कॉल आ गया तब ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो नहीं बनाता। आशीर्वाद भी बना रहे और अच्छे जितने भी गीत आ रहे हैं आप लोग सुनिए और उसे ढेर सारा प्यार दीजिए।